आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से निकलकर सामने आ रही है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। गोड्डा से नई दिल्ली तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बे पर जमालपुर रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पश्चिम फुलका हॉल्ट के पास पत्थर फेंका गया और इस दौरान यात्रियों में कोहराम मच गया। हालांकि पत्थर फेंके जाने के कारण किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं मिली, जबकि ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आगे निकलती चली गई। बताया जाता है कि सोमवार की संध्या ट्रेन नंबर 12349 अप में गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय संध्या 6:32 पर जमालपुर जंक्शन को आई, जहां से यह ट्रेन 6:40 पर क्यूल के लिए रवाना की गई। इसी बीच जब यह ट्रेन फुलका हॉल्ट के निकट से गुजर रही थी, तब असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंका और इस कारण कोच संख्या B11 और कोच संख्या B14 की खिड़की आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। कोच संख्या B11 के बर्थ संख्या 7 पर यात्री यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि खिड़की पर पत्थर फेंके जाने की आवाज़ से रेल कर्मियों में दहशत फैल गया और इसी दौरान जिस समय यह घटना हुई उस समय ट्रेन का एस्कॉर्ट पार्टी उस डिब्बे में नहीं था। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी और आगे बढ़ती चली गई, जिसके बाद ट्रेन आगे के रेलवे स्टॉप में रुकी, जहां पर आरपीएफ को इसकी सूचना दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस ट्रेन के कोई यात्री घायल नहीं हुए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ कई और जानकारी हम लाने वाले हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और लेटेस्ट ट्रेनों का न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।